क्या हकीकत? जी माता जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सच सुन रही हूँ। आज तुम्हारे बेटे हकीकत को बिल्कुल निर्दोष और बिल्कुल बेकसूर को आज ये मुगल ये सोचते हैं एक ये हिंदू का बच्चा ये हकीकत अपने धर्म से डिग जाएगा। वाकई माँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जब बच्चों में तकरार और झगड़ा बढ़ा तो इनके बच्चों की ही गलती थी। तुम्हारे बेटे को बेकसूर को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा हकीकत कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन बेटा तू नहीं जानता कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। मैं तो तुझसे यही कहना चाहती हूँ क्या कि अपना धर्म बदल ले बेटा। नहीं माँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा हकीकत मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन मुगलों के सामने झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अपना धर्म नहीं बदल सकता, नहीं, लेकिन एक माँ की बात मान ले बेटा। इस वक्त नहीं मान सकता। अगर तू जीवित है हाँ, तो मेरे लिए ये पूरा संसार सही है। तुम कहना, लेकिन अगर तू नहीं रहेगा तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। कि कैसी माँ थी, अपने बेटे को समझा भी नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, मुसलमान बन जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवित तो रहेगा, मेरे पास तो रहेगा, हमारी आंखों के सामने तो रहेगा बेटा। नहीं माते, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, कुछ कहना भी चाहती हो? हाँ, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि तू जानता है 2-3 रोज पहले तेरी शादी हुई है। हाँ। घर में नई नवेली बहू बैठी है, उसके बारे में तो सोच बेटा, वो तेरे बिना कैसे जिएगी। मुझे पता होता कि मेरी माँ मेरे पास में आकर के मुझसे ये कहेगी कि मुसलमान बन जा, तो शायद मैं इस बात की उम्मीद भी नहीं करता कि मैं अपने माँ से मिलता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ तू एक हिंदू की पत्नी होकर के, एक हिंदू की और इस पीर बेटे की माँ होकर के तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द सुनने से पहले मुझे मौत ही क्यों ना गई। नहीं, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ बेटा। कह दे। मैं माँ हूँ, सुन मेरी बात। कह दे। मुसलमान बने जा रे बेटा, कहा रे मान ले मेरा, इतने जियो इतने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुन ले बेटा। जो हंसों की असल हंसनी बनी रे फिरे से कागड़े
से टुकड़ा ना खाया है दुखियारी कहती हो कि माँ मैं मुसलमान बन जाऊं? हाँ बेटा, क्योंकि तुम नहीं जानते जो घर में नई नवेली दुल्हन बैठी है वो बहुत परेशान है मेरे बेटा। कल से उसने एक टूक भी नहीं खाया, भूखी प्यासी है, रहा देख रही है कि कब मेरे पति घर वापस आएंगे। लेकिन माँ एक मेरी बात भी सुनती चली जाना और उस लक्ष्मी को जाकर के कह देना क्या कहना है। और माँ जो मैंने तुम्हारा अब तक दूध पिया है उस दूध का कर चुकाने का भी आज ये समय आ गया है। छत्राणी माँ मुझको, छत्राणी माँ मुझको अब करुण वेदना भाती है और पांच धर्म पर मर मिटने की मेरे दिल में आती है। मैंने दूध पिया है माँ तेरा, मैंने दूध पिया है माँ तेरा, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा और चालीस दिन मुगलों से माँ मैं खुद जाकर टकराऊंगा, खुद जाकर टकराऊंगा। मैं जानती हूँ कि मैंने एक छत्री बेटे को जन्म दिया है। हाँ। लेकिन बेटा तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले मेरे। नहीं माँ, अब अपनी जुबान से ये शब्द मेरे लिए ना कहना। लेकिन मेरा दुख मेरा दर्द सुन बेटा। जब ये मुगल मुझे फांसी पर लटकाएंगे और जब ये तेरी बात मेरे कानों में जाएगी तो मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होगी माँ, इस बात का भी ख्याल रखना। सुन मेरी बात है। बालम वीर बिहोनी आई बिहाली गोदी खाली बाबा जी की धोनी। ओ बेटा बाबा जी की धोनी ऊपर जा कदे नीचे जाए महली अटारी सोनी आ गई जान बिचाले में यहाँ खून मांगे रहे सोनी। ओ यहाँ खून मांगे रहे सोनी मुश्किल मिले रे मनुष्य की यूनी दे रही रे क्या
हाँ माँ, मैं ये जानती हूँ कि जिस इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तो जाना ही है। लेकिन बेटा, अभी तेरी उम्र इस दुनिया को छोड़ के जाने की नहीं है। हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, इन मुगलों की बात मान ले, अपना धर्म बदल ले मेरे बेटा। एक माँ अपने बच्चे को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वो धर्म दीवाना धर्म पर कुर्बान होने के लिए पूरी तरह से अडिग है। जान गया, ऐसी मुश्किलें तो मेरे सामने और भी आएंगी। आज तो माँ आई है, कल को वो मेरे सात जन्मों तक साथ निभाने वाली अग्नि के साथ में सात फेरे लेकर आई लक्ष्मी भी मेरा रास्ता रोकेगी। आज तो माँ ही है, कल माँ लक्ष्मी भी आएगी, लेकिन लक्ष्मी के बाद मेरे जो पिताजी हैं बूढ़े, वो भी मेरे आके इस रास्ते को रोकेंगे। तो लेकिन माँ, मेरी एक बात सुन करके चली जाना, और मेरे पिताजी को और मेरी ब्याहता उस लक्ष्मी को जाकर के कह देना। क्या बेटा? मेरे हौसले को ना रोके, मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेरे, लेकिन जो मेरा इरादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या? सफर दर मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। जो कोई रास्ता रोके तो हिम्मत मेरी और बढ़ती है। मैं जानती हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो गलत नहीं है मेरे लाल। अच्छा? लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, अपनी पत्नी के बारे में सोच कि जिसकी गोदी खाली है, कोई पुत्र भी नहीं है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बिता लेगी। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ बेटा। क्या कहना चाहती हूँ? सुन ले मेरी। मिलेगा धर्म राजी के नरी जा, मैं इकली जीना ना चाहती चाहरी सारी पर जा। हो बेटा चाहरी सारी पर जा, एक दरिजा मुसलमानी हो जा रे बेटा, इसमें के तेरा हर जा। वो बेटा इसमें के हर जा, फिर फांसी लागे बेटा मर जा, चारों खूटी अंधे रागनी पर तो मंदिर के लिए दान भी किया है श्रीमान सोलाल जी, 100 रुपया मंदिर के लिए, 100 रुपया हमारी टीम के लिए, और 500 रुपया आदरणीय बड़े भाई पप्पू सिंह घीका का, जिन्होंने पहले भी पुरस्कार बहुत सारा दिया है, और एक बार फिर 501 रुपये से सम्मान करते हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली में फिल्म हो जाए, जोरदार तालियां सभी के लिए। और अंतिम बार कुछ समझाना चाहती हूँ मेरे बेटे। लेकिन माँ मेरी भी बात अंतिम सुनती चली जा। 200 रुपया ये 500 रुपया मंदिर के लिए, अच्छा हमारी टीम के लिए,
आदरणीय बबलू जाखड़ खैराल से जो 500 रुपए हमारी टीम के लिए देते हैं, बबलू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मेरी भी माँ सुनते चले जाना, जो मेरा हौसला है, जो मेरी उम्मीद है, जो मैंने ठान लिया है, वो मुझे क्या करना है और क्या करके दिखाना है। कि रुक जा, कि रुक ना जाना, राह में कांटे मिले कलियां खिले, जो मुझे ज्ञान मिला है अपने गुरु जी से। कि रुक ना जाना, राह में कांटे मिले कलियां खिले, हौसले मजबूत हो तो क्या करेंगी मंजिले, हौसले मजबूत हो तो क्या करेंगी मंजिले। हे बेटा, हाँ, हौसला तो तेरा बहुत बड़ा है, और क्या, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, अपने बूढ़े पिता के बारे में सोच, कि तेरे बिना तेरे माता पिता कैसे रहेंगे। सुन ले मेरी बात, उन्हें गर्व करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। एक हमारा बेटा, हमारा बेटा हकीकत अपने धर्म की खातिर इन मुगलों के हाथों निहत्ता मौत के घाट उतार दिया गया, तुझे गर्व से माँ सीना चौड़ा हो जाएगा। गर्व तो बहुत है, हाँ, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं दे सकते मेरे लाल। अच्छा, तू नहीं समझेगा कि मात पिता का दर्द क्या होता है। सुन मेरी बात, कह दे। सांस में सांस गुरु का चमत्कार, हृदय में हो तो सब प्रकाश से गुरु का, सब प्रकाश गुरु का, कर विश्वास गुरु का, बालकपन में सेवा कर पिरू बन गया दास गुरु का।